गुड मॉर्निंग एबीपी न्यूज पर साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। वक्त है खबरों से भरे बुलेटिन खबरदार न्यूज पुल इंडिया का। इस बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर से आई चौंकाने वाली खबर के साथ करेंगे जिसने पूरे देश को हैरान करके रख दिया। आपको याद होगा 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक डीएसपी आतंकियों के साथ एक ही गाड़ी में सफर करते गिरफ्तार किया गया था। अब इस मामले में एक नई अपडेट आई है, खबर क्या है देखिए इस रिपोर्ट में। ये हैं देवेंद्र सिंह। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीएसपी देवेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर पुलिस ने निलंबित कर दिया है। शनिवार को पुलिस ने देवेंद्र सिंह को जम्मू श्रीनगर हाईवे पर उस गाड़ी में पकड़ा जिस गाड़ी में आतंकी संगठन हिजबुल का टॉप कमांडर नवीद मुश्ताक और लश्करे तैयबा का आतंकी आसिफ सफर कर रहा था। गाड़ी सर्च करने के बाद देखा उसमें दो वांटेड मिलिटेंट थे, उनके साथ हमारे पुलिस के एक डीएसपी पाए गए, एक और रेसिडेंट थे जो कि एडवोकेट है। बता दें कि नवीद मुश्ताक भी पहले जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल था। 2017 में वह आतंकी संगठन हिजबुल में शामिल हो गया था। जो हमारे पुलिस अफसर है ये एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन जो जिस हालत में कल पकड़ाया गया जो कि मिलिटेंट को अब गाड़ी में बैठा के ड्राइव करके जम्मू साइड जा रहा था, ये हीनियस क्राइम है। इसीलिए उसको हमने वही ट्रीट किया जो मिलिटेंट को करते हैं, प्रॉपर अरेस्ट किए, रिमांड पर लाए हैं, इंटरोगेशन चल रहा है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार मामले की जांच जल्द ही एनआईए करेगी।